जगन्नाथपुरी मंदिर के आश्चर्यजनक तथ्य और इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हमारे YouTube चैनल पर मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो पर एंड तक बने रहना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। इसके अलावा यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल है जहां लाखों की संख्या में पर्यटक मंदिर को देखने के लिए आते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है संसार या जगत के स्वामी, इसी कारण इस नगर को जगन्नाथपुरी या फिर पुरी कहा जाता है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर को हिंदुओं के चार धामों में से एक माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। गंगवंश काल से प्राप्त हुए प्रमाणों के अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने शुरू कराया था। इस राजा ने अपने शासनकाल यानी कि 1078 से 1148 के बीच मंदिर के जगमोहन और विमान भाग का निर्माण कराया था। इसके बाद सन 1197 में ओडिशा के शासक भीम देव ने इस मंदिर का वर्तमान रूप का निर्माण कराया। माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में 1448 से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई थी, लेकिन इस वर्ष एक अफगानी ने ओडिशा पर आक्रमण कर दिया और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों और मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। लेकिन बाद में राजा रामचंद्र देव ने जब खुर्दा में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया तो जगन्नाथ मंदिर और इसकी मूर्तियों को दोबारा प्रतिस्थापित कराया, तभी से इस मंदिर में दर्शन की सुविधा उपलब्ध हो गई। इतिहास के बारे में जानने के बाद अब हम जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, रोचक तथ्यों के बारे में जान लेते हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं है पता। इस मंदिर की कुछ विशेष खासियत है जिसके कारण पर्यटक जगन्नाथपुरी मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। जगन्नाथ मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के उल्टे दिशा में लहराता रहता है। ऐसा प्राचीन काल से ही हो रहा है, लेकिन अभी तक इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया है। श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक की बात है, जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। यह अष्ट धातु से बना हुआ है, इसे नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि आप पुरी के किसी भी स्थान से खड़े होकर इस चक्र को देखें, वह हमेशा आपको अपने सामने ही दिखाई देगा। यह वास्तव में आश्चर्य का विषय है जो इसे एक खास बनाता है। मंदिर के ऊपर लगा झंडा रोजाना शाम को बदल दिया जाता है। खास बात यह है कि इसे बदलने वाला व्यक्ति उल्टा चढ़कर झंडे को बदलता है। जिस समय झंडा बदला जाता है मंदिर के प्रांगण में इस दृश्य को देखने वालों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। झंडे के ऊपर भगवान शिव का चंद्र बना होता है। मंदिर परिसर में पुजारियों द्वारा प्रसादम को पकाने का अद्भुत और पारंपरिक तरीका है। प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और लकड़ी का उपयोग करके इसे पकाया जाता है। ऊपर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले और बाकी बचे का अंत में पकता है। जगन्नाथपुरी में हवा की दिशा में भी विशेषता देखने को मिलती है। अन्य समुद्री तटों पर प्रायः हवा समुद्र की ओर से जमीन की ओर आती है, लेकिन पुरी के समुद्री तटों पर हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। इसके कारण पुरी अनोखा माना जाता है। आमतौर पर किसी भी मंदिर के गुंबद की छाया उसके प्रांगण में बनती है, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद की छाया अदृश्य ही रहती है। मंदिर के गुंबद की छाया लोग कभी कहीं भी नहीं देख पाते। वैसे तो हम अक्सर आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के गुंबद के ऊपर से होकर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता और यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से होकर नहीं गुजरता, अर्थात भगवान के ऊपर से कुछ भी नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन को बर्बाद करना एक बुरा संकेत माना जाता है। मंदिर के संचालक इसका अनुसरण करते हैं। मंदिर जाने वाले लोगों की कुल संख्या
हर दिन 2000 से 2 लाख लोगों के बीच की होती है। लेकिन मंदिर का प्रसादम रोजाना इस चमत्कारिक ढंग से तैयार किया जाता है कि कभी भी व्यर्थ नहीं होता है और ना ही कम पड़ता है। इसे प्रभु का चमत्कार माना जाता है। तो अब हम जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा का पर्व। जगन्नाथपुरी मंदिर का रथ यात्रा उत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वर्ष में एक बार जून जुलाई के महीने में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों लोगों को 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान करके मंदिर से बाहर नगर की यात्रा पर निकाला जाता है। रथ यात्रा निकालने का उत्सव मध्यकाल से ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही भारत के कई वैष्णव श्री कृष्ण मंदिरों में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। यह रथ यात्रा महोत्सव 10 दिनों तक चलता रहता है। रथों को मंदिरों की तरह ही बनाया और सजाया जाता है। रथों का निर्माण जनवरी एवं फरवरी माह से ही शुरू हो जाता है। तो अब हम जगन्नाथ मंदिर के पूजा के समय के बारे में जान लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। इस मंदिर की पूजा एवं रस्म प्रणाली बहुत विस्तृत है और अनुष्ठान कराने के लिए मंदिर परिसर में सैकड़ों पंडे और पुजारी मौजूद हैं। यदि आप जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए यह बता दें कि यह मंदिर सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले द्वारका पीठ और मंगला आरती होती है। इसके बाद सुबह 6 बजे मैलम होता है। भगवान जगन्नाथ के कपड़े और फूलों को हटाने को मैलम कहा जाता है। इस समय कुछ विशेष सेवक पिछली रात पहनाई गई भगवान के शरीर से कपड़े, तुलसी के पत्ते और फूलों को हटा देते हैं। सुबह 9 बजे मंदिर में गोपाल बल्लव पूजा होती है, जिसमें भगवान को नाश्ता कराया जाता है, जिसमें दही, स्वीट, पॉपकॉर्न, खोआ, लड्डू आदि का भोग लगाया जाता है। सुबह 11 बजे मध्याह्न धूप पूजा होती है। इसमें सुबह की अपेक्षा अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस समय जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को 10 रुपए का टिकट देना पड़ता है। सुबह मंदिर खुलने से लेकर रात में मंदिर बंद होने तक इसी प्रकार पूरे दिन अलग अलग तरह की पूजा और आरती होती रहती है। शाम के समय मंदिर में भोग और प्रसाद का वितरण होता है। और अगर आप पूरी घूमने का प्लान बना रहे हो तो आपके लिए कौन सा मौसम, कौन सा समय बेस्ट रहेगा, तो हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पुरी का मौसम समुद्र के कारण बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ सुखद सर्दियों, गर्म और आर्द्र मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी अक्टूबर से अप्रैल तक की अवधि को पुरी की यात्रा का सबसे अच्छा समय माना जाता है। पुरी बीच की सफेद रेत अक्टूबर से अप्रैल तक पर्यटकों को खूब लुभाती है। इन महीनों के दौरान आप यहाँ आने की योजना बना सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इस वीडियो में जानी। तो अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि अगर आप जगन्नाथ मंदिर यानी कि पुरी जाना चाहते हो तो आप वहां तक पहुंचोगे कैसे। जगन्नाथपुरी पहुंचना बहुत ही आसान है। इसके आसपास के शहरों जैसे कि उड़ीसा और भुवनेश्वर से भी यहाँ पहुँचने की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। तो आइए हम जानते हैं कि आप पुरी तक कैसे पहुँचते हो। अगर आप हवाई जहाज से जाने का प्लान बना रहे हो तो पुरी का निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर है, जो पुरी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट से बस, टैक्सी या फिर कार बुक करके पुरी पहुंच सकते हो। अगर आप ट्रेन द्वारा जाने का प्लान बना रहे हो तो पुरी ईस्ट कोस्ट रेलवे पर एक टर्मिनल है, जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ओखा, अहमदाबाद, तिरुपति आदि के साथ सीधे एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों द्वारा जुड़ा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनें कोलकाता हावड़ा, पुरी हावड़ा एक्सप्रेस, जगन्नाथ एक्सप्रेस, नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आदि हैं, जो कि पुरी से 44 किलोमीटर दूर खुर्दा रोड स्टेशन चेन्नई और पश्चिमी भारत के लिए ट्रेन का सुविधाजनक रेल मार्ग है। स्टेशन शहर से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर में है। इसके बाद रिक्शा और ऑटो रिक्शा से आप मंदिर तक पहुँच सकते हो। अगर आप बस द्वारा जगन्नाथपुरी जाने का प्लान बना रहे हो तो गुडीचा मंदिर के पास
बस स्टैंड है जहां से पूरी जाने के लिए बसें मिलती है। इसके अलावा भुवनेश्वर कटक से भी बस द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है। कोलकाता और विशाखापट्टनम से भी पुरी के लिए कई बसें चलती हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम।